जो बच्चे सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते और आप उनको खिलाना चाहती हैं क्योंकि ये हेल्दी होती हैं, तो एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं हूँ फिज़ा, वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। तो जी लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल और चिकन का इतना मज़ेदार पुलाव कि जो बच्चे आपके सब्ज़ियाँ नहीं खाते आप उनको ये बना कर खिलाएं, यकीन करें उनको इतना पसंद आएगा और वो बार बार आपसे इसी को बनाने की फरमाइश करेंगे। एक तो ये हेल्दी है, साथ ही साथ ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है। रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, रेसिपी पसंद आई लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर कर दें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं लेती हूँ एक कढ़ाई, इसमें मैं ऐड करती हूँ तकरीबन 1 कप ऑयल का। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको हम 10 सेकंड सौते करेंगे। ये एक आधा किलो चावलों की रेसिपी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आधा किलो चावलों में 1 कप ऑयल ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप चावलों के में ऑयल की क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो ही चावल खिले खिले और परफेक्ट बनते हैं। अब इसमें मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ऐड किया, चिकन का कलर सिर्फ हमने चेंज करना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, ये आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 हरी मिर्ची, उनका पेस्ट बना लिया। अगर आप थोड़ा स्पाइस कम खाते हैं तो आप कम क्वान्टिटी कर लें। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। 1 पाव मैंने लिया है मटर, 2 गाजरें जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 छोटा फूल बंद गोभी का और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। इनमें से कोई सब्ज़ी अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमने सब्ज़ियों को इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा हमने इनकी भुनाई नहीं करनी कि ये बहुत ज़्यादा गल जाएं, बस इतना इसको पकाना है कि इनका जो कच्चा पना है वह दूर हो जाए। अब इसमें मैं स्पाइसी ऐड करती हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का, और इसमें मैं ऐड करती हूँ अब 1 से 2 टेबलस्पून नमक। नमक भी आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल लें जितना आप खाना पसंद करते हैं। बस यही 2 चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसमें किसी किस्म का कोई भी गरम मसाला या फिर खड़ा मसाला हम इसमें ऐड में नहीं करेंगे। इसके बगैर भी ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। सब्जियों की लुक चेक कर लें कि हमने इसकी जो खूबसूरती है इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बल्कि जिस तरह से ये नज़र आ रही है इतने ही खिले खिले और इतनी ही मज़ेदार, इतनी खूबसूरत आपके पुलाव बनेगा। अब मैं ऐड करती हूँ इसमें 2 गिलास पानी, आधा किलो चावलों में 2 गिलास पानी इनफ है, और इसको कवर कर देती हूँ। जब इसमें बॉयल आ जाता है तब तक हमने इसको कवर करना है। तो देखें, हाई फ्लेम पर हमने इसको बॉयल दिया है पानी को, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ राइस। आधा किलो चावल अच्छे से धोकर मैंने इसको साफ़ कर लिए थे, और इसको मिक्स कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर सुपर बासमती कर्नल राइस लिए हैं, आप जो से भी खाते हैं आप वो ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक इसका पानी ड्राई करेंगे। और जब इस तरह से पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं और काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो जाए, ये देखिए जब इस तरह से इसकी लुक आ जाए, तब हमने कवर उठाना है और इसको मिक्स करना है। और इसके बाद हम दम लगा देते हैं कवर लगा के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। दम में चावल अच्छे से गल जाते हैं, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं और इसका पानी जो है वह सारा ड्राई हो गया है। और सब्ज़ियाँ कितनी खिली खिली हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा इसका। तो इसको सर्व करते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे, इतने मज़े के हैं। और ये सबसे स्पेशल बात इसमें ये है कि बगैर टमाटरों के, बगैर दही के, बगैर किसी खड़े मसाले के और बगैर प्याज के, इतने महंगाई में जब ये सारी चीज़ें भी ना ऐड हों और फिर भी पुलाव आपका इतना मज़े का बने, तो फिर क्या ही बात। रेसिपी पसंद आई हो इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।